जब बात देश की आवाम की होगी तब बात हिंदुस्तान की होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी में और मैं हूं आपके साथ जिब्रान जर्रार खान। देश के प्रधान सेवक की भतीजी दमयंती बहन दिल्ली के सिविल लाइंस के नजदीक गुजरात समाज भवन के गेट पर जा खड़ी हुई, तभी दो स्कूटी सवार बदमाश आए और दमयंती बहन से उनका बैग लेकर वहां से भाग निकले। मामला देश के सबसे पावरफुल मैन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार से जुड़ा था, इसलिए पुलिस को हरकत में आना पड़ा और पुलिस इतनी तेज हरकत में आई कि झपटमारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 700 पुलिस कर्मियों को काम पर लगा दिया। एक प्रसिद्ध अखबार ने यह खबर छापी कि पुलिस ने 700 पुलिस कर्मियों को प्रधानमंत्री की भतीजी के बैग के झपटमारों को पकड़ने के लिए काम पर लगाया है। पुलिस ने कड़ी मेहनत की और 24 घंटों के अंदर दो झपटमारों को गिरफ्तार कर लिया। अब उसके बाद रूपनगर के इलाके में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विप्लव डवास खाना खाकर अपने घर से बाहर सैर करने के लिए निकले तो वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। दो बदमाश भी उनका मोबाइल छीनकर 9-2-11 हो गए। पुलिस यहां भी सतर्क हुई और दो जिलों के पुलिस ने एक साथ मिलकर काम किया और दो बदमाशों को धर दबोचा। दोनों ही वारदातों में पुलिस की कार्यवाही काबिल तारीफ है और जितनी उनकी प्रशंसा की जाए वो कम है, लेकिन मुझे अफसोस तो उन बदमाशों पर आ रहा है जिन्होंने इन वारदातों को अंजाम दिया। बेचारों को यह नहीं मालूम था कि जिनके साथ वो झपटमारी कर रहे हैं वो आखिर कौन है। अब कोई आम आदमी होता तो ठीक भी था, मोदी जी की भतीजी और मजिस्ट्रेट की जगह अगर आप और मैं होते तो वो आज सलाखों के पीछे नहीं होते। अब भला दिल्ली पुलिस आम आदमियों के मोबाइल या बैग तलाशने में इतनी फुर्ती थोड़ी दिखलाएगी। वो तो बात प्रधानमंत्री की भतीजी और मजिस्ट्रेट पर आ गई, इसलिए तो पुलिस को भी इतनी हरकत में फुर्ती में काम करना पड़ा। बेचारे झपटमार, काश उन्हें देखकर झपटमारी करनी चाहिए थी। शायद वो पहले कभी इसलिए नहीं पकड़े गए होंगे क्योंकि उनका शिकार आज तक आप और मैं बनते आए हैं। अब बात देश के प्रधानमंत्री की भतीजी और मजिस्ट्रेट की थी तो पुलिस ने काबिले तारीफ काम किया। दिल्ली शहर में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो रोजाना इन झपटमारियों के शिकार होते हैं और सड़क पर रो बिलखते रह जाते हैं। आसपास लोग जो मौजूद होते हैं वो उन्हें सहानुभूति देते हैं, मगर सहानुभूति से कभी नुकसान की भरपाई नहीं होती। और जब वही लोग अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो भला पुलिस उनकी कहां सुनती है। पुलिस मामलों में कभी बार तो ऐसी भी होता है कई बार कि वो रिपोर्ट तक नहीं लिखती है। पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना हर किसी की बस की बात नहीं है और जो काटते हैं उन्हें भी कुछ खास हासिल नहीं होता। अब बात है ना वही कि कोई इतना खुशनसीब कैसे हो सकता है, या तो वो प्रधानमंत्री का भतीजा या भांजा हो या फिर वो कोई डिप्टी मजिस्ट्रेट या जज हो, तभी तो पुलिस 700 पुलिस कर्मियों को उसकी तलाश करने के लिए निकालेगी। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब यही है कि पुलिस की नज़र आम आदमियों की शायद उतनी अहमियत नहीं है जितनी कि प्रधानमंत्री की भतीजी या मजिस्ट्रेट की है। तो दिल्ली पुलिस जिसने ये काबिल तारीफ कारनामा अंजाम दिया है, वही पुलिस अगर शहर के आम लोगों की परेशानियों को सुलझाने में इसका 50% भी प्रयास करे तो शहर में झपटमारी की वारदातें चुटकी में खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर वही कहूंगा, इसके लिए हर किसी को किसी बड़े नेता का भतीजा या बेटा होना होगा। भला पुलिस आखिर क्यों सुनने लगी किसी आम आदमी की? हाँ, एक काम और है, वो भी हो सकता है देश की राजधानी नॉर्थ कोरिया की राजधानी जैसी हो जाए। आप शायद नहीं जानते होंगे कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग शहर में किसी आम नागरिक को रहने की इजाजत नहीं है, वहां सिर्फ सरकारी कर्मी ही रह सकते हैं। अब ऐसा हाल अगर दिल्ली का हो जाए तो दिल्ली शहर में झपटमारी की वारदातें कम हो जाएंगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो दिल्ली पुलिस कार्यवाही में कोई देरी ही नहीं करेगी। हमारा मकसद पुलिस को रुसवा करना बिल्कुल नहीं है, पुलिस पर तोहमत लगाना बिल्कुल भी नहीं है, मगर किसी को भी हमारी परेशानियां समझनी होगी। जितनी फुर्ती से पीएम की भतीजी का काम हुआ उतनी जल्दी अगर पुलिस हमारा भी काम करे तो फिर क्या कहने। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत यानी राजधानी दिल्ली में फिलहाल केजरीवाल सरकार है यानी आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में बहुत से महकमे दिल्ली पुलिस के कब्जे में आते हैं और कुछ हिस्से केंद्र सरकार के कब्जे में आते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और वो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, इसलिए दिल्ली में बहुत हद तक केंद्र सरकार की मदाखलत रहती है। दिल्ली के वजीर आला यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए दिन कहते रहते हैं कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंतर्गत कर दिया जाए ताकि दिल्ली को पुलिस की तरफ से होने वाली शिकायत कम हो जाए।
मेरा यहाँ पे जो मतलब दिल्ली से है वो दिल्ली की जनता से है, दिल्ली की आवाम से है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि दिल्ली पुलिस अगर केंद्र सरकार से हटकर राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाए तो दिल्ली में शायद क्राइम खत्म हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के नज़दीक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान है। पुलिस ने वहाँ पर केंद्र की सिर्फ पुलिस नहीं है, वहाँ पर राज्य की पुलिस है, वो अंतर्गत राज्य की आती है और वहाँ पर क्राइम का क्या हाल है ये आप भी जानते हैं और मैं भी। दिल्ली से कहीं ज़्यादा अपराध उन पड़ोसी राज्यों में है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ देश के साथ साथ दुनिया की भी नज़र होती है। पूरी दुनिया इंडिया में सबसे पहले दिल्ली की खबर पड़ती है। अब जब दिल्ली शहर में ऐसे क्राइम होंगे तो भला क्या छवि देश की बनेगी दुनिया के सामने। दिल्ली पुलिस अगर दिल्ली सरकार के अंतर्गत आ जाए तो शायद हो सकता है कुछ अजूबा हो जाए और दिल्ली में आए दिन हो रहे क्राइम पर भी लगाम लगाई जा सके। इसके बाद दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए भले ही प्रयास किए जा रहे हों, लेकिन बात कुछ और ही है और हवा दम घोटू है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का प्रदूषण सेक्टर 8 के द्वारका में और गाजियाबाद के लोनी देश में सबसे प्रदूषित माने गए हैं। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 358 रहा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 304 दर्ज हुआ। एनसीआर में ग्रैप लागू होने के बावजूद वायु प्रदूषण बढ़ा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बुधवार को 108 शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया। इसमें एनसीआर के 5 शहर सर्वाधिक प्रदूषित 10 शहरों में शामिल हैं। दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में वायु गुणवत्ता बेहद खराब है, जबकि गुरुग्राम और फरीदाबाद में ये खराब श्रेणी में है। दिल्ली में बुधवार को 34 में से 24 निगरानी केंद्रों की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में आई है। द्वारका सेक्टर 8 में वायु गुणवत्ता सूचकांक 361 अंक रहा। केंद्र की संस्था सफर के मुताबिक अगले 2 दिनों में हवा और खराब हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हवा में प्रदूषण कण PM10 की मात्रा 281 माइक्रोग्राम प्रति घंटा मीटर और PM2.5 की मात्रा 139 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही है। हवा में PM10 का स्तर 100 और PM2.5 का स्तर 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। सफर ने लोगों को सुबह के वक्त घर से बाहर कम निकलने की भी सलाह दी है। अब देखना होगा कि दिल्ली शहर कितना प्रदूषित और होने वाला है, क्योंकि दिवाली नज़दीक है और पटाखे और परालियां धड़ल्ले से जलने वाली हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली शहर का कौन हाफिज है। हम कल फिर हाजिर होंगे बात हिंदुस्तान की लेकर आपके सामने, जहां देश की जनता की बात जो कोई नहीं सुनता वो हम सुनिएंगे और आपके सामने रखेंगे तथ्यों के साथ। तब तक मुझे जिब्रान जर्रार खान को दीजिए इजाजत, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।